हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीनाज किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सोया चिली चंक्स। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए घर पे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सोया चिली चंक्स बनाना। फ्रेंड्स, सोया चिली बनाने के लिए हमें एक कटोरी सोया चंक्स चाहिए। इसको हम बॉइल कर लेंगे जल्दी से। हमने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर। सॉल्ट और शुगर हमने इसलिए पहले डाल दिया ताकि इसमें ये सोया चंक्स जो है हमारे, इसको ऑब्जर्व कर लें, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। फ्रेंड्स, आप इसको बॉईल ही करें, आप इसको सोक करके ना रखें। सो फ्रेंड्स, बॉईल करने से हमारे सोया चंक्स में शुगर और सॉल्ट का जो टेस्ट है वो अच्छे से आएगा और हमारे जो ये सोया चंक्स है उसको ऑब्जर्व कर लें। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो चुका है। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया है। तो फ्रेंड्स, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हमारी सोयाबीन का पानी हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। दही हम खटास के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा नमक। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम भी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम अपने सोया चंक्स को डीप फ्राई करेंगे। अब हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। हम इसको डीप फ्राई मीडियम से हाई फ्लेम पर करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपने सोया चंक्स को डीप फ्राई करेंगे। जब तक हमारे सोया चंक्स फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपने सॉसेस को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे सोया सॉस, ज्यादा ना डालें। टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, आप कोई सा भी चिली सॉस ले सकते हैं। सॉसेस को पहले से ही ऐड करके रख लें क्योंकि दुकान की तरह हमारे पास सारे सॉस पास में रखने की जगह भी नहीं होती किचन में, इसलिए पहले से ऐड करके रखें ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब हमारे सोया चंक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पे टमाटो, कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक चॉप किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी, कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, हमने अपने सोया चंक्स को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोया चिली बनाना। फ्रेंड्स, हमने अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। चाइनीज डिश जो होती हैं वो हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनती हैं, इसलिए हम अपने ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, ग्रीन चिली, अनियन। हम अपने वेजिटेबल्स को 30 सेकंड तक ही कुक करेंगे, हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सॉसेज जो हमने ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ है। अब इसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने सोया चंक्स ऐड करेंगे। अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसमें सिरका ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें टमाटर और दही ऐड किया था जिससे कि ये ऑलरेडी खट्टा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा सोया चिली बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सोया चिली चंक्स बनकर रेडी है। अब हम इसको एंजॉय करेंगे और आप भी हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।